तो देखा किस तरह अटैक किए। ये इतना आक्रामक है। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। जैसे कि आपको पता है, मैं उड़ीसा में हूँ स्नेक रेस्क्यू के लिए जगन्नाथ शाहू के साथ। तो एक गांव में हम पहुँचे हैं, यहाँ पर मोबाइल नेटवर्क तो नहीं है, लेकिन एक गांव का आदमी जगन्नाथ शाहू के घर पे आया था बताने के लिए कि घर में एक सांप है। तो दोस्तों, इस गांव में हम पहुँचे हैं सांप को रेस्क्यू करने के लिए। तो चलिए बिना देरी के देखते कौन सा सांप है, उसको पकड़कर एक सुरक्षित जगह पर पर्यावरण में रिलीज़ करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए। कौन सा झोपड़ी में सांप? चलो बता, आगे हो ना, आगे हो, चलो आ जाओ। इधर ही है ना, अंदर है। हाँ, पहले देखो कहाँ क्या सांप है, देखो। अरे यार, तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं, विश्व का विषैले सांपों में सबसे लंबा सांप किंग कोबरा सांप मैं पहली बार देख रहा हूँ सामने ही। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, बहुत ही फुल साइज में लग रहा है, ये बहुत ही बड़ा किंग कोबरा। और ये देखिए, दीवार का अंदर है सा, दीवार में कैसे घुसा? तो ये देखिए कितना लंबा ये सांप। विश्व के जितने भी विषैले सांप हैं उनमें से सबसे लंबा, लगभग ये सांप 18 से 20 फीट तक बढ़ता है। अभी ये तो शायद मेरे हिसाब से 12 फीट का होगा, 12 से 13 फीट का, बहुत ही लंबा है। अब इसको निकालें कैसे? आगे से कुछ है उसको ये करने के लिए? जाओ, बाहर आया है वो, उधर से आएगा, उधर से आया बाहर। नहीं आया, उधर से पकड़ में आएगा। इंग्लिश नाम किंग कोबरा। चलो चलो, बाहर में निकालेंगे या अंदर में निकालेंगे, बोलो। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जिस तरह इंडियन रेड स्नेक होता है उसी प्रकार से उसका पूंछ है, लेकिन आगे का हिस्सा अलग है। बीच बीच में थोड़ा सा पीला पीला दिखाई दे रहा है और भूरे कलर में है। कुछ कुछ सांप हल्के से काले कलर में दिखाई देते हैं। ये देख सकते हैं आप, भूरे कलर में, हल्के से ब्राउन कलर में, और बीच बीच में आप देख सकते हैं ये पीले पीले से दिखाई दे रहा है ना। पकड़ नहीं छोड़ रहा है वहाँ पर उसको, मुँह उसका उस साड़ी में गया हुआ है। तो नहीं आया, नहीं आया रे। हाँ तो पढ़ो,
कहाँ गए रे, वो ताकत लग रहा है, खींचेंगे तो खाल निकल जाएगा, इसलिए खींच नहीं पा रहा हूँ। तो दोस्तों इसकी पकड़ जो है बहुत मजबूत है और मैं ज्यादा इसको खींच के निकलूंगा तो निकल पाएगा, लेकिन इसकी खाल उधड़ जाएगी। नहीं रे वो घिस रहा है, वो ऐसा खींचेगा तो तो दोस्तों आप देख सकते हैं किस तरह से ये किंग कोबरा बहुत ही बिग साइज में लगभग 12 फीट का लग रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं। मैं फिर एक बार बोल रहा हूँ, दुनिया का सबसे खतरनाक और दुनिया का सबसे लंबा सांप ये विषैले सांपों में बहुत ही ज़्यादा आक्रामक होता है। देखिए ये इतना आक्रामक है, बार बार अटैक करेगा। ये देख लीजिए बहुत ही बिग साइज में किंग कोबरा स्नेक। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस सांप का नाम किंग कोबरा और भारत देश में इसे नाग राजा नाम से जाना जाता है और इसका साइंटिफिक नाम ऑफियोफैगस हैना, यानी दूसरे सांपों को खाने वाला। ज़्यादातर ये इसका खाना जो है दूसरे सांप ही है, बड़े बड़े सांप होते हैं जो लंबे लंबे, इंडियन रैट्स ने खास करके ये ज़्यादा खाता है। वैसे तो कोबरा भी खा जाता है, रसल स्पाइपर भी खा जाता है, अन्य हर कोई सांप ये खाता है, लेकिन इसका पसंदीदा खाना जो है इंडियन रैट स्नेक यानी धामन, बड़े से बड़ा धामन 10 फीट का 11 फीट का धामन भी ये खा सकता है। तो आप देख सकते हैं इसकी पर्सनालिटी किस तरह से, सामने से भी देखिए, ये देखिए सामने से किस तरह है। तो दोस्तों फिर एक बार बता रहा हूँ, विश्व का सबसे लंबा ये सांप बहुत ही खतरनाक होता है और आज पहली बार मैंने इसको रेस्क्यू किया, पकड़ा, बहुत ही अच्छा फील हुआ। और उड़ीसा में ये सांप बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं ऐसे गांव में, ज़्यादातर ये सांप जंगल में रहना पसंद करता है। जब तेज़ी से बारिश होती है तो ये बारिश के कारण ये लोगों के घरों में झोपड़ों में घुस जाता है। दोस्तों देखिए, ये देखिए काशी जी इधर आइए। चलिए दोस्तों, इसके बारे में और कुछ जानना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ज़्यादातर देख सकते हैं आप कितना ही अटैक कर रहे हैं, बार बार खुले मैदान में लेते हैं ताकि मैं आसानी से इसको बैग में डाल सकूं। चलिए 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 चलिए।
विश्व का सबसे लंबा सांप विषैले सांपों में यानी जहरीले सांपों में सबसे लंबा सांप, लगभग इसकी लेंथ यानी इसकी जो हाइट लंबाई है लगभग 18 से 20 फीट बढ़ती है और एवरेज लेंथ जो है 14 से 16 फीट और ज़्यादा से ज़्यादा मैंने बताया कि ये 18 से 20 फीट तक बढ़ सकता है। काफ़ी आक्रामक सांप होता है ये। वैसे ये सांप बस्तियों में लोगों के घरों के आसपास आना नहीं चाहते, लेकिन बारिश होने के बाद ये सांप कहाँ पर ऐसे झोपड़ों में घरों में घुस जाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कितना आक्रामक है ये। तो दोस्तों इसके बारे में और जानकारी ये कि ये मादा सांप जो है लगभग 20 से 40 अंडे देती है और अंडे देने से पहले वो मादा क्या करेगी, घोंसला बनाएगी और वहाँ पर अंडे दे देगी और लगभग 50 से 60 दिन तक वह मादा उस अंडों के इर्द गिर्द उस पर रहेगी और 25 से लेकर 28 डिग्री तक तापमान में रखेगी उसको। 55 से 60 दिन बाद अंडों से बच्चे बाहर निकलते हैं। तो ये देखिए कितना आक्रामक सांप ये, जैसे मैं इसको पकड़ने जाऊंगा तो ये अटैक करेगा, इतना देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा आक्रामक। तो देखा किस तरह अटैक। तो दोस्तों इसका नाम फिर एक बार बता रहा हूँ, ऑफियोफैगस है ना, इसका साइंटिफिक नाम है इंग्लिश में किंग कोबरा, हिंदी में, मराठी में और भारत देश में इस सांप को नागराजा नाम से जाना जाता है। और सच में ये नागराजा है, ऐसा सांप निकलते ही खौफ बन जाता है। आप देख सकते हैं कितना लंबा है, मैं कहाँ पर हूँ और वो कहाँ पर है, देखिए। अब हम इसको बैग में डालते हैं, ये देखिए बहुत ज़्यादा आक्रामक। लगाओ बैग, बैग पर अटैक कर रहा है, लगाओ बैग, बैग लगाओ, हाँ खींचेगा, लगाओ। लगाओ बैग, लगाओ बैग, लगाओ। दोस्तों आपने देखा काफ़ी बिग साइज में किंग कोबरा सांप हमने रेस्क्यू किया था, यहाँ पर इस पर्यावरण में हम इसको रिलीज़ कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यह पूरा फॉरेस्ट है, एक बार फॉरेस्ट दिखाओ, एक बार फॉरेस्ट दिखाओ सब, पूरा पूरा फॉरेस्ट का एरिया ये, ठीक है। और इस जंगल में इस सांप को हम रिलीज़ कर रहे हैं काफ़ी बिग साइज़ में और यहाँ पर देखिए पूरा घना जंगल है, काफ़ी गुस्सा है रहा इसमें। चलो हम रिलीज़ करते हैं अभी इसको, है ना, ये देखिए अब ये चला जाएगा जंगल में, इधर जा रहे हैं, इधर जाओ, काटने का चक्कर में, हाँ काटने के चक्कर में, इधर जाओ रे, ये देखो जंगल को जाओ तुम्हारा स्थान को, तो थोड़ा उधर आप इधर आओ, इधर आओ, देखो अभी नजदीक से लाओ, ठीक है अभी कैसे जाएगा, देखो घना जंगल है, देखिए पूरा अंदर जाएगा, निकल जाएगा अभी।